हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, अगर मैं आज आपसे बात करूं कि व्हाट यू नो अबाउट द इंडिया, आप अपने देश भारत के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बहुत सारी फेमस फेमस चीज़ें हैं, फेमस फेमस लोग आपको पता है, फेमस मोन्यूमेंट्स यानी कि ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें है ना। ओके बच्चों, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बिल्डिंग दिया गया है जिसमें बोला गया है कि कंप्लीट द, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइव्स हियर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति भवन। क्या होगा? राष्ट्रपति भवन। फिर उसके बाद संसद, जिस जगह पर सांसद यानी कि एमपी एमएलए चुने हुए बैठते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट हाउस। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट हाउस। वेरी गुड, ये सब आज हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। वैसे तो हमारा जो देश इंडिया है वो बहुत बड़ा है और इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री? यानी कि दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है। यस, यहाँ पे जो टोटल आबादी मतलब पॉपुलेशन, कितने की आबादी है? 125 करोड़, इतने करोड़ की आबादी है। यस, फिर बताया गया है कि बिल्कुल कि इसके जस्ट बाद चाइना के बाद। ओके यस, फिर उसके बाद इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, है ना। ओके, उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यस, द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो गवर्नमेंट होते हैं यानी कि पार्टी जो रूल करती हैं, गवर्नमेंट को चलाती हैं, देश को चलाती हैं, उनको सेलेक्ट कौन करता है? लोग। कौन करता है? लोग। इसीलिए गवर्नमेंट कितने टाइप्स के हैं? हमारे अंदर दो टाइप्स के गवर्नमेंट हैं हमारे देश में। वैसे तो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, एक होता है यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, दूसरा है स्टेट लेवल गवर्नमेंट। यस, कौन को? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वी हैव? वी हैव मोर देन टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, वन इज यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, म्युनिसिपैलिटी। यस, ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? द अनदर नेम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है? कि पूरे देश की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करना या उसको चलाना, ऐसा। यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑफिस है यूनियन गवर्नमेंट का वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। आप सबको दिल्ली पता है? यस, दिल्ली हमारे देश की क्या है? राजधानी। राजधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। यस, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ अवर इंडिया। वेरी गुड। तो आपने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की आबादी पॉपुलेशन इज नियर 125 करोड़। ओके, आफ्टर चाइना यू कैन से अबाउट। देन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन द ईयर 15 अगस्त 1947। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वी हैव? वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअली मोर देन टू टाइप बट मेनली टू टाइप, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में क्या पढ़ा? यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, उसका काम होता है पूरे देश को चलाना। फिर उसके बाद, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनके भी काम को देखना। फिर उसके बाद जो ऑफिस होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के वो कहाँ होते हैं? न्यू दिल्ली में। अब हम आगे पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है? ये चलाई जाती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट का हिंदी में शब्द अगर अनुवाद करें तो क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। यस, ओके। फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर। यस, फिर उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद
ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन दिल्ली. ये सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं. इतने सारे लोग दिल्ली में रहते हैं? यस. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर ऑल पीपल. थस टू लुक आफ्टर द नीड एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रॉपरली द कंट्री हैज़ डिवाइडेड इंटू स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज. प्यारे बच्चों, ये मुश्किल होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी आदमी की ज़रूरत या नीड्स को देख पाए. तो यहाँ बताया गया है कि इसीलिए हमारा जो कंट्री है, यस, वो डिवाइड हो गया स्टेट और यूनियन टेरेटरीज़ में. किसमें? स्टेट और यूनियन टेरेटरीज़ में. अब आप देखिए, आपका जो दादरा नगर हवेली है वो भी एक यूनियन टेरेटरी है. दमन एंड दीव वो भी एक यूनियन टेरेटरी है. पौंडुचेरी, गोवा, वो भी दिल्ली अपने आप में एक यूनियन टेरेटरी है. चलिए अब हम बात करेंगे यूनियन टेरेटरीज़ की. ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि कितने यूनियन टेरेटरीज़ हैं. देर आर 9 यूनियन टेरेटरीज़. और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. दिल्ली भी अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है. यस, और उसको क्या कहा गया है? कैपिटल. यस, एनटीसी. यस, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी. क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की. ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि द लोकल गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरीज आर गाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट होती हैं उनको कौन गाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट. ओके, फिर अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. आगे बताया गया है कि जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होता है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. यस, प्रोग्रेस में और वेलफेयर में. यस, यानी कि डेवलपमेंट में और यस, ताकि विकास हो सके वहाँ पर. आगे फिर क्या बताया गया? दे लुक आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री. लोगों की क्या ज़रूरत है उसके बारे में देखते हैं दोनों, सेंट्रल और स्टेट, और क्या करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं, सेफ्टी के बारे में देखते हैं, प्रोटेक्शन रहे. द गवर्नमेंट पासेस लॉ टू रन द कंट्री प्रॉपरली. यस, गवर्नमेंट क्या पास करते हैं? लॉ. लॉ का मतलब क्या होता है? कानून. क्यों कानून पास किए जाते हैं? ताकि कंट्री ठीक से चल सके. इसका मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से इंसान अपना जीवन बेहतर कर सके, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क, सबको पार्क जाना पसंद है, रोड, रेलवेज, कैनल. कैनल का मतलब होता है जैसे आप देखेंगे पानी के थ्रू, वाटरवे, ऐसे. तो इन सब का बेनिफिट मिल सके इसके लिए. तो देखिए कितनी अच्छी बात है. फिर उसके बाद बताया गया है कि इंडिया में जो लैंडफॉर्म और क्लाइमेट है, देखिए लैंडफॉर्म का मतलब ज़मीन किस तरह की है. कहीं पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं पे फ्लैट ज़मीन है, कहीं पे माउंटेन वाला ज़मीन है. आपने देखा होगा हिल स्टेशन अगर गए होंगे हिमाचल या फिर कश्मीर में, तो वहाँ पे देखो कैसे कैसे पहाड़ियाँ रहती हैं बर्फ़ से लदी हुई, है ना. ओके, फिर क्लाइमेट का मतलब मौसम. तो हर जगह का मौसम अलग अलग होता है. कश्मीर में ठंड रहता है, जबकि अभी इस समय देखेंगे तो इंडिया में बारिश हो रही है, और उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो सूखा है. पीपल जो हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में रहने वाले बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं. दे ईट डिफरेंट फूड. दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ. वो वियर का मतलब क्या होता है? पहनना. वो कपड़े डिफरेंट डिफरेंट पहनते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं. फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे पीपल हैं वो यूनाइटेड फैमिली जैसे हैं, बड़े और यूनाइटेड, मतलब सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्या है? यूनिटी, अनेकता में एकता का हम उदाहरण हैं. ऐसे तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरीज़ है, और ऐसे 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. इन सबको कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर स्कूल्स, रोड, कॉलेज, रेलवेज, सबको मैनेज करते हैं, ताकि और लोगों की सेफ्टी प्रोटेक्शन भी रखते हैं. फिर आगे हमने देखा कि हर एक हमारा जो देश है उसका हर एक जो एरिया है उसमें अलग कल्चर है, कपड़े पहने जाते हैं, अलग बोली भाषाएं बोली जाती हैं. वैसे तो इंडिया में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22. कितने बच्चों? 22. और यूनियन गवर्नमेंट हिंदी या फिर इंग्लिश को, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं फॉलो करता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो भाषा है एक राज्य की वो फॉलो करता है. अगर गुजरात में है तो गुजराती, महाराष्ट्र में तो मराठी, यूपी में है तो हिंदी, ऐसी.
तो बच्चों चलिए अब हम आपको कुछ इंडियन स्टेट्स के बारे में नाम बता दें और उनके कैपिटल, उनकी सिटीज़ कौन सी हैं उसके बारे में बता दें। तो जैसे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उसका कैपिटल सिटी क्या है? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। असम में दिसपुर। बिहार में पटना। छत्तीसगढ़ में रायपुर। गोवा में पणजी। और गुजरात में गांधीनगर। हरियाणा में यस चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड का रांची। कर्नाटका का बेंगलुरु। केरला का तिरुवनंतपुरम, क्या है वो? तिरुवनंतपुरम। फिर मध्य प्रदेश का भोपाल। महाराष्ट्र का मुंबई। मणिपुर का यस मिफल, क्या है? मिफल। अब आगे हम पढ़ेंगे, देन मेघालय का शिलोंग। मिजोरम का एजोल। नागालैंड का कोहिमा। ओडिशा का यस भुवनेश्वर। पंजाब का चंडीगढ़। राजस्थान का जयपुर। सिक्किम का गंगटोक। तमिलनाडु का चेन्नई। तेलंगाना का हैदराबाद। हैदराबाद दो दो बार आया, सच में प्यारे बच्चों? हैदराबाद दो दो बार आया, यस हैदराबाद दो दो बार आया। कैसे? देखिए आंध्र प्रदेश के लिए भी हैदराबाद और तेलंगाना के लिए भी हैदराबाद। किसके लिए? तेलंगाना के लिए भी हैदराबाद। फिर त्रिपुरा के लिए अटकल, अटल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून। वेस्ट बंगाल का कोलकाता। अरे वाह, तो इस बीच में आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें को नोट किया, जैसे चार मीनार हैदराबाद में है फेमस, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में देखने को मिलता है, हवा महल जयपुर में है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। अरे वाह, मज़ा आ गया इतना सब पढ़ के। तो आपने कितना कुछ इंडिया के बारे में जाना। अब हम यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जितने भी स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, इन सबको आपको उनकी कैपिटल सिटी के साथ याद रखना है, इनको लर्न बाय हार्ट करें, ओके? देन यस यू कैन रिपीट बिफोर योर मदर एंड फादर। फिर अब हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे, तो इसमें आंदमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, और अभी तो आपको पता है यस क्या है, लद्दाख एंड कश्मीर भी है ना, तो 9 हो गए। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दे वर क्रिएटेड ऑन 5th अगस्त 2019। कब क्रिएट किए गए इनको? 5th अगस्त 2019 को। वेरी गुड बच्चों, आपने तो बहुत कुछ सीख लिया। आपके बुक के पीछे एक मैप दिया गया है जिसमें कौन सा स्टेट, कौन सा टेरिटरी कहाँ है उसको आपको देखना है, यस ये आपका पॉलिटिकल मैप है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, जैसे आपके इंडिया का सबसे बड़ा देश कौन, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है? अंडमान निकोबार। सबसे स्मॉलेस्ट यस लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट जिसमें आबादी ज़्यादा हो यस उत्तर प्रदेश। और सबसे कम आबादी वाला सिक्किम, कौन है? सिक्किम। वेरी गुड बच्चों, तो आपने स्टेट और सेंट्रल के बारे में समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको अब मैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 28+9 यूनियन टेरिटरीज़ में, है ना? ओके, हर एक का अपना एक इलेक्टेड यानी चुना हुआ नेता रहता है, यस। जैसे यहाँ पे बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो नेता होता है उसको जो लोग स्टेट में रहते वो चुनते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट में एक कैपिटल सिटी रहती है, सही बात है, अभी आपने देखा, यस। फिर क्या बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको कौन चलाता है? यस इट इज़ रन बाय गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड द ऑफिसर इन द स्टेट, ये सब मिलकर चलाते हैं, लेकिन सबसे पहले गवर्नर, यस ओके। फिर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर गवर्नर को पहले से ही अपॉइंट किया जाता है, और चीफ मिनिस्टर जो है उसको लोग चुनते हैं,
फिर मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स रहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, उसी कैपिटल सिटी में रहते हैं। और क्या बताया गया है, और ये बताया गया है कि ये यूनियन गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जब जब ज़रूरत पड़ती है तब। वाह, कितना कुछ आज आपने सुन लिया। अब यहाँ पे NCR का मतलब क्या था, नेशनल कैपिटल रीजन। यस, ये किसके अंदर आता है, ये दिल्ली के अंदर आता है, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग रीजन्स हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। यस, दिल्ली NCR देखा होगा ऐसे। तो ये कुछ प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर इंडिया के बारे में पढ़ा, और ये पॉइंट्स को रिकॉल करें। जैसे इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन उसके बाद आवर गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग चुनते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे रहे, कहाँ पे उनके लोग रहते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ कंट्रोल है, उनके लोग कहाँ रहते हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज का कंट्रोल किस किस कौन करता है, कंट्रोल करता है और कहाँ पर हैं, फिर राजस्थान जो है सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो ये कुछ आपने आज पढ़ा, अब आपको इसका रिवीजन करना है और अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो देख के सीखते रहिए बच्चों।